हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर हीरो पाठशाला। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मल्टीवर्स की। लोकी सीरीज़ में हमने देखा सिल्पी ने ही हू रिमेन्स को मार के मल्टीवर्स को ओपन कर दिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका क्या इफेक्ट होने वाला है आगे एमसीयू में। फेज़ 4 में हमें मल्टीवर्स ओपन होने के कारण क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यार, मल्टीवर्स से रिलेटेड जो चीज़ सबसे पहले हमें देखने को मिलने वाली है वो है व्हाट इफ सीरीज़। इसके अलग अलग एपिसोड से हमें समझाया जाएगा कि मल्टीवर्स कैसे काम करता है। जैसे कि कैप्टन अमेरिका जो मार्वल की मेन टाइमलाइन है उसमें सुपर हीरो है, तो क्या पता किसी यूनिवर्स में वो विलेन हो। इसमें हमें वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी जो मार्वल की मेन टाइमलाइन में देखने को नहीं मिली। व्हाट इफ के बाद हमें स्पाइडरमैन मूवी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें पता चलेगा कि अलग अलग सुपर विलेंस जब एक दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स करेंगे और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे एक दूसरे को। स्पाइडरमैन के बाद जो मूवी हमें मल्टीवर्स से रिलेटेड मिलेगी वो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि मल्टीवर्स से क्या क्या खतरे पैदा होंगे और कैसे वर्ल्ड को उनको फेस करना पड़ेगा। इसके बाद जो मूवी हमें देखने को मिलेगी वो है एंटमैन एंड द वास्प, जिसमें हमें कैंग द कॉन्करर देखने को मिलेगा जो कि ही हू रिमेन्स का वेरियंट है। इसमें क्वांटम रैल्म और मल्टीवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा। इसके अलावा भी हमें मार्वल की कुछ मूवीज़ और सीरीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि इटर्नल, शैंक्ची, लेकिन उनमें मल्टीवर्स को ज़्यादा देखने को शायद ना मिले। तो यार, आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं जो मल्टीवर्स से रिलेटेड होगी, नीचे कॉमेंट करके बताएँ। और यार, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।